हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का व्लॉग भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा एंड इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो वन वीक की रूटीन है, हमने क्या किया, कहाँ गए, सब आपको इस वीडियो में मालूम होगा। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। तो हमारे यहाँ डे गई थी 10 मुहर्रम में, तो जो सारी चीज़ें थे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे से करके डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये तसला कह लें आप, तसला में सारी चीज़ें डाला, उसके बाद जो छोटे शॉपर होते हैं ना उसमें हमने लेकर अच्छी तरह पैकिंग की। उसके बाद ये 50 से अबव थी आई थिंक, ये हाफ वीडियो है। तो उसके बाद हमने ऐसे से करके पैकिंग किया, फिर भाई और पापा ने बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस टाइप के शॉपर में हमने सारी चीज़ें डाल दिया था और इसमें रबड़ लगा के पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर बड़े शॉपर लेकर आए थे पापा, उसमें हमने डाल दिया था ताकि आराम से जाके बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और फिर हमने ऐसे से करके आराम से बांटा था, क्योंकि उस दिन रोज़ा भी रखने का होता है तो ज़्यादा थकन हो गई थी। तो फिर ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी जितना हो सके बांटें और नेकी कमाएँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जो दूसरे दिन हमारी फैमिली में शादी मनाया था और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद है कि आप सबको भी वीडियो देख के बहुत इंजॉय करें आप लोग। डेकोरेशन भी इन्होंने स्टेज में बहुत अच्छा किया था, खाना भी बहुत जायके का था। और ये इनकी बरी है जो कि मैंने थोड़ी जूम करके बनाई थी, और माशाल्लाह बरी बहुत प्यारी आई थी, बहुत प्यारा इनका सूट था बारात का। बारात का भी इवेंट मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छी बरी आई थी माशाल्लाह से, हर चीज़ बहुत खूबसूरत था। दैन उसके बाद बरात वाली में की भी इवेंट की इसमें वीडियो शामिल है, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और बहुत प्यारी बरी आई थी, और उसके बाद मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। तो जी ये बरी की है, बरात वाली में की भी ये वीडियो, बरात की सूट माशाल्लाह से बहुत प्यारा था और उन्होंने वियर भी किया था तो बहुत प्यारा लगा था। तो ये थी बरी। और इसके बाद लड़का का मायो, ये लड़कियों के मायो में भी लड़के ने बहुत प्यारी ड्रेसिंग की हुई थी माशाल्लाह से। और यहाँ पर इनकी खाला और सिस्टर विस्टर मौजूद है, सबकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी हुई थी। और ये स्टेज था इनका, यहाँ पर कज़न्स सारी बैठी हुई थी और ढोलकी का सामान जो कि बहुत प्यारा था। और यहाँ पर इनकी कज़न्स बैठी हुई हैं। और यहाँ पर अब आ गया बारात का इवेंट, उम्मीद है कि आप सबको बारात का इवेंट भी बहुत प्यारा लगेगा। तो जी जो मैं आपको शरारा आपको दिखाया था जूम करके, वो शरारा इन पर बहुत प्यारा लग रहा था जो कि इन्होंने वियर किया था। लड़की की ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी थी बारात की, इन्होंने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखा। तो दोनों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ये बारात का इवेंट है, बारात की भी हॉल बहुत खूबसूरत थी। और ये सारी सिस्टर जो कि सहरा का वक्त आ गया था तो थोड़े में ब्लर कर दिया, यहाँ पर रुखसती का वक्त आ गया था। और यहाँ पर सब लड़की के भाई जो कि पिक्चर्स बनवा रहे थे, और यहाँ पर लड़की ने सहरा बांध चुकी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और एक अलग सा रूप आता है यहाँ पर, सारी सिस्टर लड़की की सिस्टर एंड भाई हैं, और ये उनकी सिस्टर की सूट है, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, और सब बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर इनकी फैमिली फ़ोटो हो रही है। तो जी यहाँ पर बारात का इवेंट हो गया ख़त्म, वलीमे का इवेंट हो गया स्टार्ट। वलीमे के भी हॉल बहुत खूबसूरत थे, सब ने बहुत इन्जॉय किया। आप लोग समझ रहे होंगे हर वीक इन्होंने हर वीक शादी का व्लॉग डालती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पहले की थी वीडियो बनी हुई, तो मैंने इसको स्टोर करके फिर आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार दिखाते रहें, वीडियो को देखते रहें, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुआ में याद रखें। तो यहाँ पर जी हमारी सिस्टर ने ये सूट पहना था, बहुत प्यारी लगी थी, बहुत अच्छे से वेयर किया हुआ था। स्टेज की डेकोरेशन देखें, बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आपको करवाना है तो ज़रूर यहाँ से रिसर्च करें, नॉलेज करें, और उसके बाद अपने इवेंट में आप सर्च करें और इसी टाइप का करवाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पर मैं जा रही थी अपना चेकअप करवाने, जो कि मुझे हो गया था एलर्जी किस चीज़ की हो गई थी, एंटी एलर्जी हो गई थी जो कि खांसी की हो गई थी, और पूरे ठंड लग गए थे सीने में मुझे। तो डॉक्टर ने कहा तो इसे आप धूल ढक्कर से दूर रखें, जितना आप दूर रखेंगी उतना इनकी तबीयत ठीक होगी। तो हम यहाँ पर जा रहे थे अपना हॉस्पिटल। और कराची की रोड इतनी खूबसूरत है, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको गर्व होना चाहिए, और अगर नहीं रहते तो ज़रूर यहाँ पर आके विज़िट करें, घूमें फिरें। और ये हॉस्पिटल की थोड़ी सी मामा ने क्लिप बना दी थी, तो यहाँ पर हम आए थे हलीम हॉस्पिटल बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं। अगर आपको यहाँ पर विज़िट करना है तो मैन चुरंगी के पास ये हॉस्पिटल है, ज़रूर विज़िट करें। यहाँ के डॉक्टर इमाम हॉस्पिटल में भी अगर आपको विज़िट करना है, अगर आप यहाँ पर रहाइश है तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें।
और यहाँ पर हमने चेकअप करवाया था तो उन्होंने बोला आप भाप लें, धूल और धक्कड़ से दूर रहें, मास्क लगाएं, इससे आपको धूल से और इससे आपका सीना भी सही रहेगा। तो पहले की ठंड लगी हुई थी तो उन्होंने चेकअप वेकअप किया तो बताया। उसके बाद यहाँ पर पकोड़े के शॉप में रुक गए थे तो हमने थोड़ी सी पकोड़े खाई। उसके बाद हमें मार्केट जाना था, मार्केट गए। उसके बाद वापसी में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो ये थोड़ी सी क्लिप बनी है रात की, मार्केट की नहीं बन पाई। आई थिंक मार्केट में बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल हो गई थी तो शॉपिंग में बिज़ी हो गए थे तो यहाँ पर रात हो गई थी। तो हम यहाँ पर वापसी घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बार बार कह रही हूँ तो ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर हम वापसी में कराची हलीम चले गए थे। कराची हलीम के बहुत मशहूर नाम है, ज़रूर आप लोग ने देखा भी होगा और जानते भी होंगे। तो यहाँ पर हमने हलीम खाया था और ये बाहर ये पक रहा था तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बना दी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अगर आप कराची हलीम जाइएगा तो ज़रूर टेस्ट करके कमेंट्स करिएगा कि कैसा लगा। ये आपको मैं वीडियो बना के शेयर की हूँ, हम लोग भी किसी दिन खाएंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये पक रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना ली। और यहाँ पर जो कि ये बहुत मशहूर होटल है, आप लोग भी जानते होंगे। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर खीर कह लें आप मिलती है, ये ऐसे पैक करके इतनी ज़बरदस्त लगती है ये खीर लबड़ी। और यहाँ पर इसका मसाला लगा हुआ था, उसकी भी मैंने पिक्चर क्लिक की और ये इसकी मेन्यू लिखी हुई थी। तो बहुत बहुत मज़ा आया हमें, उम्मीद है कि आप सबको बहुत बहुत मज़ा आए। तो आप लोग जाइएगा तो ज़रूर कमेंट्स बताइएगा, मैं भी इंशाल्लाह खाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी। देन उसके बाद ये खीर की थी। और यहाँ पर जो लोग बाहर जाते हैं कहीं घूमने विज़िट करने तो यहाँ से टिन भी मिलता है आपको, तो वहाँ पर टिन भी। तो हमने सिर्फ क्या खाया था, हलीम खाया था, बहुत जगह की हलीम थी। यहाँ पर मेन्यू है और मेन्यू में आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ आपको मिल सकती है, तो आप अपने घर कहीं जाएँ तो लेकर भी जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़।